नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कितने घंटे सफिशियंट होते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक दिन में कितना पढ़ाई कर सकते हैं, कितने घंटे रेगुलर मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं? 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या 16 घंटे? बिल्कुल आप 16 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आप 16 घंटे रोज पढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। और आप लोग करते भी यही है, आपने देखा कि आपके दोस्त ने बोला कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, आप भी लग जाते हैं कि आज मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, और फिर 3-4 दिन कुछ भी नहीं छूते। तो क्या मतलब है? जरूरी ये नहीं कि आप 16 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं, जरूरी है कंसिस्टेंसी। आपको एक चीज बताऊं, आपने देखा होगा, सुना होगा, कई लोग ये बोलते हैं कि ये बंदा 6 घंटे पढ़ता है सिर्फ, इसके बाद इसकी हॉबी है गिटार बजाना, क्रिकेट खेलना वो भी करता है, फैमिली के साथ घूमता है, उसके बाद भी टॉप मार जाता है। तो उसका एक ही सीक्रेट रहता है, वह यदि 6 घंटे 8 घंटे भी पढ़ रहा है लेकिन वह रोज पढ़ता है। आप लोगों जैसे नहीं कि जिस दिन जुनून आ गया, एक मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया तो लगे हैं पढ़ने, उसके बाद फिर बिल्कुल टाइम टाइम फिक्स। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको रोज चाहे 6 घंटे हो एग्जाम के हिसाब से, यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं रोज आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलरली पढ़िए। दूसरी चीज, अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं, कई लोग मैंने देखा 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कहीं कमर में प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद हर चीज छूट जाती है धीरे धीरे। तो ये नहीं करना है हमें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, चाहे 6 घंटे पढ़ो चाहे 8 घंटे पढ़ो, प्लस अपने शरीर पर बराबर ध्यान देना है, कहीं से भी कहीं तक कोई कमी नहीं रखना है, ना खाने पीने में, ना एक्सरसाइज में, और ना ही पढ़ने में। तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो, हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको अब इसका जवाब मिल गया होगा, जो लोग पूछते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ूं। कोई दिक्कत नहीं, कंसिस्टेंसी रखो, चाहे 6 घंटे पढ़ो चाहे 8 घंटे पढ़ो, दुनिया का कोई भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को भी समझाइए, ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, लाइक करके हमें बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।